देखिए दोस्तों कितने तरह के शिवलिंग बनाए गए हैं। दोस्तों छेस्का धाम जाने के दौरान दामोदर नदी पुल पर जब हमने रोका तो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पुल निर्माण या टंकी निर्माण हो कार्य हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा कार्य स्टार्ट है। तो ये एक अच्छा दृश्य है जो मैं आपको अपने वीडियो पर छेस्का धाम यात्रा पर दिखा रहा हूँ। और ये है आपका दामोदर नदी, इधर मेरी मधु, इधर मेरा बेटा गंगा मैया दामोदर नदी को प्रणाम करते हुए। इसी बाइक से मैं जा रहा दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये आप नागदा भाटी होते हुए ये रास्ता आपका छेस्का धाम जाता है जो मेरे घर से 7 किलोमीटर दूरी पर है। ये देख दोस्तों ये रास्ता छेस्का धाम के जस्ट ऑपोजिट में जो आपका दामोदर नदी की ओर जाते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं। इधर आपका भगवान विष्णु का पदचिन्ह का निशान है जो बहुत ही चमत्कारिक है। भगवान विष्णु के पदचिन्ह के जस्ट नीचे एक लिपि लिखी हुई है। चलिए हम उस लिपि को भी देखेंगे। जैसा कि लिपि के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि उस लिपि को जो कोई पढ़ लेगा 7 राजाओं का धन उसमें छिपा हुआ है। चलिए हम लोग भगवान विष्णु के पदचिन्ह को थोड़ा देखते हैं। बेटा पृथ्वीराज आगे दौड़ते हुए ध्यान से मत सीढ़ी देख के उतर। देखिए वो जगह हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत नजारा है। भगवान विष्णु के पदचिन्ह यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर लोग यहाँ से लोग स्नान करते हैं और स्नान करके यहाँ पर जल उठा करके लाते हैं और भगवान विष्णु के चरणों पर चढ़ाते हैं। तो यहाँ एक सूक्ष्म जो शिवलिंग है हम दिखाने के लिए जा रहे हैं आपको। देखिए किस तरह से ये सूक्ष्म शिवलिंग है। तो ये सूक्ष्म शिवलिंग इसका वर्णन अभी आप लोग बहुत सारे शिवलिंग को दर्शन कर चुके होंगे। इतना सूक्ष्म शिवलिंग आपको कहीं नहीं दिखाई दिया होगा। ये आपरूपी है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये आप देख रहे हैं कितना सूक्ष्म शिवलिंग है, कितना छोटा सा शिवलिंग जो खुद निकला हुआ है। और इधर अभी आगे आपको और दिखाते हैं छोटा सा शिवलिंग। ये पत्थरों पे अपने आप आकृति निकले हुए। और यहाँ पर भगवान विष्णु के पदचिन्ह यहाँ पर देख रहे हैं। भगवान विष्णु के पदचिन्ह के निशान जो आप देख रहे हैं चक्र जो देख रहे हैं सुदर्शन चक्र का भी निशान है। और आगे अब शंख देख रहे हैं, शंख भी शंख की आकृति बनी हुई है। उधर आपका जो गधा है जो सूर्य की रोशनी के सामने जो दिखाई दे रहा है वो गधा है। तो ये सब ये भगवान विष्णु के पादुका चिन्ह। और ये ऊपर में भगवान विष्णु के चरण की आकृति और शिवलिंग बनी हुई है। तो इधर आप देख रहे हैं भगवान विष्णु की फोटो लगी हुई है। सब आपरूपी है दोस्तों। ऐसा यहाँ भगवान विष्णु छेस्का धाम मंदिर में आते हैं तो ये भगवान विष्णु के जो पदचिन्ह के जो निशान है ये सब आपरूपी है। और ऐसा सामान्य लोगों का पदचिन्ह जो हम लोग देखते हैं सो भिन्न है, एकदम भिन्न है, डिफरेंट है। और ये बगल में आपके चक्र, सुदर्शन चक्र, शंख की आकृति और गदा की आकृति ये सब आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए किस तरीके से भगवान विष्णु के पादुका चिन्ह। अभी हम दिखाने वाले एक खजाने का रहस्य का एक लिपि। बताया जाता है कि इस लिपि को अगर कोई पढ़ लेते हैं तो 7 राजाओं का धन छिपा हुआ है इस लिपि में। तो ये कब की लिपि लिखी हुई है कोई पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एक पूर्वज आदमी ने इन्हें यहाँ अपने नाम अंकित करके रखा हुआ है। और जैसा कि स्थानीय निवासियों के द्वारा बताया जाता है कि इस लिपि को अगर कोई पढ़ पाता है तो
तो यहाँ पर राजाओं के धन की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पर भगवान विष्णु के पादुका चिन्ह है, सूक्ष्म शिवलिंग है, इधर हम लोग देख रहे हैं। ये लिपि को हम लोग दिखाने के लिए जा रहे हैं कि किस तरह से सूक्ष्म जो यहाँ पर लिपि अंकित है, इस लिपि को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको खजानों का रहस्य के बारे में जानकारी मिल सकती है। मेरे मधु, आज इस जगह का लुप्त उठाते हुए मेरा बेटा पृथ्वीराज, यहाँ पर एक और नाम अंकित है पत्थरों के बीच में। खूबसूरत नजारा, आप यहाँ से नहा करके जल उठा करके यहाँ भगवान विष्णु के पादुका चिन्ह वो सूक्ष्म जो शिवलिंग बना हुआ है वहां पर आप जल को चढ़ाया जाता है। और बारहवें स्नान के दिन में यहाँ बहुत भीड़ लगी है दोस्तों, भीड़ लगी रहती है। ये मेरे मधु जिसका था मंदिर में आकर के थक गई है, ये देखिए पानी बहता हुआ। तो बहुत ही सुंदर प्लेस है, अभी आप देख रहे हैं कि चट्टानों का भिन्न भिन्न आकृति है। जल बहता हुआ, जल चट्टानों के मध्य जाता हुआ। गेट इधर से भी जो कलापत्र कुमरी होकर के आना चाहेंगे इधर से गेट, ये मेन गेट है, देखिए ये यही मेन गेट है, इधर से भी देखिए यही मेन गेट है आपका। ये गणेश भगवान मंदिर है, बाबा भवन रखा हुआ था। हाँ। जब ये टूटा हुआ था ना, हाँ। ये रखा हुआ था, उसमें एक आदमी बनाया मंदिर, अब निकले में बनाया। तो जैसे कि शिवलिंग जो आप रुपये वाला वो वहाँ निकले हुए हैं, अच्छा। अरे माने पूरा पत्थर था, पूरा चट्टान पत्थर था, लिंग थोड़ा रखा हुआ था। एक आदमी सपना दिया था, तो सपना दिया जाए तुम बाबा का मंदिर बनो, बनाया बाबा का। तो कोई देखिए मनस्कामना पूरा हुआ तब मंदिर बना दिया। तो यहाँ पर मतलब चट्टान थे सब, चट्टान पूरा पत्थर था, उसके ऊपर में रखा हुआ था। तो उसके ऊपर बाबा उसको सपना दिया जाए तुम इसको बना दो, तुम जो मांगेगा तुम्हारा पूरा करेगा। तो ये पूरा किया तो बाबा का मंदिर बना दिया। तो देखिए स्थानीय निवासी के अनुसार यहाँ चट्टानों का ढेर था, तो किसी आदमी को स्वप्न आया, भगवान ने उनको बोला कि आप यहाँ पर मंदिर बनाइए, तो स्वप्न में भगवान जी उनको दिए। तो ये पर देखिए अभी आप देख रहे हैं एक विशाल मंदिर इधर बन चुका है, ऊपर से ले लीजिए। तो देखिए ये ऊपर से आपका जो बना हुआ है ये चट्टान, गणपति बापा है उधर, ये चट्टानों का ढेर था। तो अभी इस वो आदमी को स्वप्न भगवान जी दिए, उनका मनोकामना पूरा हुआ तो बनाया मंदिर, तो ये बनाया मंदिर। तो स्थानीय जानकारी सर, तो और कुछ जानकारी हम लोग दे सकते हैं क्या? जैसे कि यहाँ पर भीड़ सबसे ज्यादा कब होता है? सबसे ज्यादा भीड़ होता है यहाँ सावन महीने में, पूरा एक महीना भीड़ होता है। अच्छा। उसके बाद शिवरात्रि में भीड़ होता है, रास पूर्णिमा में भीड़ होता है, उसके बाद चौथ पर चौथ में जो मेला लगता है ना चड़क मेला, उस टाइम फिर मेले के पास में पूरा भीड़ होता है। ये तो शिवरात्रि में कम से कम 20-25 हजार का आदमी का भीड़ रहेगा, पूरा दुकान मेला वाला पूरा लगता है। देखिए हम लोगों को इतना जानकारी मिला और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग स्थायी निवासी के द्वारा हम लोग इतना जानकारी मिल रहा है।